नमस्कार दोस्तों, मैं नवर्तन आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक खास टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जिसका जो कह सकते हैं परिणाम है वो कई जातियों ने भुगता है। हम भी लिखते हैं, वो भी लिखते हैं दो प्रकार से, BHIL और BHEEL। ये दो प्रकार से भी लिखते हैं जो हमारे आने वाले समय के लिए कह सकते हैं कि खतरनाक है। जैसा कि आप सबको बता दें कि भील है वो वर्तमान के अंदर शेड्यूल ट्राइबल कास्ट के अंदर आता है, यानी कि ST के अंदर आता है। अगर हम भील को दो प्रकार से लिखते रहे तो पता नहीं कब ये लोग जो दो जातियां घोषित कर देंगे, भील की दो जातियां हैं वो घोषित कर देंगे और एक का आरक्षण है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि वर्तमान में दो जातियों के साथ ऐसा हो चुका है। नायक शब्द है वो लिखा जाता है NAYAK और नायक शब्द को ही लिखा जाता है NAYAKA। इसका भी अर्थ नायक की होता है और NAYAK का भी अर्थ नायक होता है, लेकिन नायक जाति के साथ क्या हुआ कि NAYAK वाला जो नायक है, जिसका हिंदी में अर्थ है वो नायक बनता है, फिर भी राजस्थान सरकार ने है वो नायिका शब्द को ST के अंदर डाल रखा है और जो NAYAK है उसको SC के अंदर डाल रखा है। एक ही जाति के दो नाम है रखे हुए हैं, फिर भी दोनों की कास्ट कैटेगरी है वो अलग अलग रखी हुई है। तो दोस्तों ये गौर करने लायक बात है कि क्योंकि आदिवासियों पे एक कह सकते हैं कि साजिश भी रची जा रही है, जिसके तहत पता नहीं कब दो जातियों में विभाजित किया कर दिया जाए। तो इसलिए सतर्क रहें, जो सही शब्द है उसका ही इंग्लिश के अंदर है उसका यूज करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए NH Point यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।